बीजेपी मलाड विधानसभा अध्यक्ष भावे दोषी का मुंबई में धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। की पत्नी और मलाड विधानसभा की उपाध्यक्ष रूपा दोषी ने जन्मदिन पर किया कार्यक्रम का आयोजन, जहां देखने को मिला जहां पार्टी और परिवार के साथ साथ वार्ड की जनता ने पहुंचकर भावे दोषी को जन्मदिन की बधाई दी और इस तरह से जरूरतमंदों के लिए कार्य कर रहे। वही इस दौरान खुशी की इस मोहन में डांस और गरबा का भी। भावे दोषी को अभी तक सिर्फ लोगों ने जनता की सेवा में देखा था, लेकिन जन्मदिन पर वार्ड की जनता और परिवार के साथ वो भी जमकर गरबा खेले और डांस किया। बधाई देने वालों का तांता लगा रहा, एक नहीं दो नहीं कई केक काट कर मनाया जन्मदिन। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था भावेश दोषी और रूपा दोषी का, देखिए मुंबई से खास रिपोर्ट। ब्रांच का इनोग्रेशन था तो शुरुआत तो बहुत अच्छी रही, और इनफैक्ट हम लोग ने 9 तारीख को राशन किट करीबन 1150 लोग को बांटा है, तो उस हिसाब से तो मेरे को तभी से ही बहुत अच्छा लगा। आशीर्वाद कमा के हम लोग ने काम किया है तो बहुत अच्छा लगा। भाई जी, जिस तरह से देखा जाए कि आप आज आपके जन्मदिन पर काफ़ी अलग चीज़ों का भी उद्घाटन किया है और यहाँ पे कुछ अलग रौनक देखने को मिली, गरबा खेल जो कि गरबा खत्म हो चुका है, आप जन्मदिन पे खुशियाँ मनाने के लिए गरबा खेले, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जब ऐसा होता है कि गुजराती को गरबा आप लगा दो तो उसमें स्फूर्ति अपने आप आ जाती है। कितने भी थके रहे, जन्मदिन के साथ साथ एक बहुत बड़े इंसान का भी, अमिताभ बच्चन जी का भी जन्मदिन है, क्या कुछ केक ऐसा लग रहा है उनके साथ जन्मदिन आपका? वो बिग भी है, हम स्मॉल भी है, और अमिताभ बच्चन है, बच्चन बिग भी है, मैं भावेश दोषी हूँ, मैं स्मॉल भी हूँ तारीख। और मेरे पिताजी का भी बर्थडे आज 11 अक्टूबर है, तो मेरे लिए वो ज़्यादा महत्व का है। और जिस तरह से देखा जाए आपका जन्मदिन है, आपने अपने माता पिता से क्या मांगा है अपने जन्मदिन पे? पहले तो गुरु माता पिता दोनों होते हैं, लेकिन इस पर आप क्या करना चाहेंगे बताइए। देखिए, माता पिता जो कर सकते हैं वो भगवान भी नहीं कर सकते हैं, तो माता पिता से तो ऑलवेज हम लोग इतना मांगते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य दे, सुख दे, संपत्ति दे, शांति दे और संप दे घर में। और हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी, आपको हमने सुना है कि इलेक्शन का टिकट मिलने वाला है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इलेक्शन का टिकट मिलना नहीं मिलना वो तो पार्टी पे निर्भर है, अपने को काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जरूर, मेरे को टिकट मिला तो मैं ये दावे के साथ बोलूँगा कि वार्ड नंबर 46 को 227 वार्ड में एक मॉडल वार्ड के तरह डेवलप करूँगा, और खूब सारा काम करने का है यहाँ पर जो 50 सालों से नहीं हुआ है, वो काम हम लोग करके दिखाएंगे। सर, आपके जन्मदिन जैसे आज है, इसके बाद आपने बहुत सारे शुभकामनाएं, कौन से अलग अलग कार्य करने वाले हैं आने वाले टाइम? देखिए, अभी तो थोड़ा दिवाली का माहौल है, तो चाहे कुछ भी काम करेंगे तो भी थोड़ा पब्लिक को जुटाना डिफिकल्ट होगा, पब्लिक के लिए भी थोड़ा व्यस्त हो गए, नौकरी धंधे में व्यवसाय में वो लोग व्यस्त हो गए, तो दिवाली के बाद हमको करीबन समझो ना कि पूरे मलाड में 6,000 राशन किट बांटना है, और बाद में हमको साड़ी बांटनी है और बहुत कुछ कर रहे हैं। लकी हूँ कि मेरे को भगवान ने इतना अच्छा केयरिंग सपोर्ट देने वाले जीवन साथी दिया है। हम लोग की मोस्ट ऑफ फिलोसॉफी और सोच एक जैसी है, तो सब लोग आशीर्वाद, भगवान और बुजुर्ग लोग आशीर्वाद दे, हम दोनों मिलके मानव कल्याण, पशु कल्याण, सृष्टि कल्याण का काम कर सकते। ऐसे तो भावेश एकदम परफेक्ट है, साथ में रहेंगे तो मेरे को सब कुछ परफेक्ट लगता है। हैप्पी बर्थडे मिस्टर परफेक्ट।